फर्स्ट डॉक्टर जो मेन थे वो बोले कि नहीं है, ये मरा भी होगा तो आपके पास है। जय बाबा की, जय माता जी की, करौली शंकर महादेव की जय। आज का ये जो वीडियो है ना, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ दरबार के एक भक्त हैं, इनसे बात हो रही थी तो इनका जो अनुभव था ना, वो सुनने के बाद मुझे लगा कि ये वीडियो आप सभी लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इनका वीडियो देखने से ना आपको दरबार की कृपा समझ में आएगी कि दरबार की कृपा कैसे होती है। और इनसे बात करके इनका जो श्रद्धा दरबार के प्रति, जो इनका विश्वास था, जो दरबार के प्रति समर्पण था, इतना गजब का है ना। वैसे बातें बहुत से लोगों से मेरी होती रहती है, लेकिन वीडियो कुछ ही लोगों का मैं बना पाती हूँ। आपने देखा होगा, लाखों लोगों से बाबा ने बातें करवा दी होगी, लेकिन कुछ ही लोग वीडियो में कैप्चर हो पाते हैं। शायद जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा होती होगी वही आ पाते होंगे। तो इनसे मैं बात कर रही थी, अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, तो उस बीच में ना बार बार अंदर से हो रहा था कि इनका वीडियो, ये जो बता रही है ना अनुभव, इसको कैप्चर करना चाहिए। अभी मैं अपने स्टॉल पे ही खड़ी हूँ, इडली बेच रही थी, लेकिन इनकी बात करते, इडली खाने आई थी तो इडली खा रहे थे, तो उसी बातों में ना मुझे लगा कि नहीं, इनका कैप्चर कर ही लो काम, अपना जो इडली है साइड में रख के मैं इनका अनुभव मतलब लेने के लिए मैंने कैमरा स्टार्ट किया है। एक भैया को फ़ोन दे दिया है, अब मैं इनका नाम भी पूछेंगे कहाँ से हैं, और ये जो मुझे बताई हैं अपना पूरा अनुभव, मैं चाहूँगी कि ये वही सारी बातें ना अपना कैमरा में बता दीजिए। दीदी मैं ये पकड़ लीजिए, मैं सपना कुमारी जी, मेरा घर रांची है, रांची में रहती हूँ, झारखंड डिस्ट्रिक्ट की हूँ। दीदी मैं दरबार से 2022 में जुड़ी हूँ। मुझे पहले तो थोड़ा सा निगेटिविटी बहुत लगी, ऐसा लगता था कि कुछ नहीं होगा क्योंकि फैमिली में तो कष्ट आते ही हैं, लेकिन मैं अपने घर में एक पूजा तक नहीं जानती थी। मतलब मम्मी लोग पूजा करने भी कहती थी तो मुझे ये लगता था कि पूजा पाठ कुछ नहीं है, बस उसका प्रसाद खा लो, पूजा यही है। तो मैं ऐसे मतलब बहुत गंदा था मतलब पूजा के प्रति, अपनी जो सनातन संस्कृति है वो मैं भूल चुके थे, भूल चुके या फिर ये कहें कि हमें पता ही नहीं था। तो मैं खुद समझ नहीं पाती थी। और जब मैं 2022 में बाबा से जुड़ी ना, तो मैं बस फ़ोटो रखी थी बाबा की, और पता नहीं फ़ोटो रखते के साथ जब मैं आरती सुनती थी, सब कुछ देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर एक अनुभव अच्छी आ रही है, मेरे अंदर कोई ऐसा कह रहा है कि नहीं, जो कर रही हो ना तुम बहुत आगे तक जाओगे और बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ तक तो चलो ठीक था, बट मेरे दो बेटे हैं, दोनों बेटे, एक 17 साल का है, एक 16 साल का है। आज के डेट में तो जानते हैं 14-15 साल वाले बच्चे कितने नालायक होते हैं, बदमाश होते हैं, तो वो संगति का चक्कर है, ठीक है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं तो नादान हूँ, आपके पास आई हूँ, अब तो बच्चों को लेके ही आई हूँ, कोई सुनता नहीं है, बस मैं आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन बहुत सारी कष्टें आ रही है। जब से जुड़ी हूँ तो थोड़ा कष्टें, निगेटिविटी तो परेशान करती है, वो समझना खुद की बात होती है। तो मैंने समझा कि अच्छा, अरे बाबा का नाम लेती हूँ तो मेरे को ऐसे करता है सब, ऐसे करता नहीं, अंदर से मेरी ऐसी फीलिंग होती है कि ये हो रहा है। वो चीज़ मुझे समझ में, मैं सबको यही बोलूँगी कि जब भी बाबा से जुड़ के गंदगी आती है तो बस यही सोचना है कि मेरे अंदर वो निगेटिविटी दिया जा रहा है कि तुम यहाँ तक मत पहुँच पाओ, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि हमारा छोटा बेटा मयंक राज नाम है, वो बेटा होली का अगजा का दिन था, ठीक है, वो बेटा मेरा बाइक से जा रहा था, बुलेट से जा रहा था, तो बहुत तेज़ रफ्तार में ही जा रहा था। तो वो जैसे ही जा रहा था ना बेटा, तो बुलेट से जाते जाते वो, फिर हम बोले उसको कि तुम जा रहे हो, तुम देखो तुम परेशान हो रहे हो, तुम घर आओ, तो वो बुलेट छोड़ के फिर वो बेचारा चला गया। बोला मम्मी तुम बोल दियो, टोक दियो, अब हम नहीं जाएंगे, तो लेकिन फिर भी वो चला गया। अचानक उधर से पूरा आदमी लेके आ रहा है, आपका बेटा का पल्स ख़त्म हो गया है, आप जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाइए, डायरेक्ट ऐसे ही बोलता है। तो मैं देखी तो मेरे को ना हंसी आया, मतलब सीरियस है बच्चा, खुद ही मुझे लग रहा है ऐसा कि वो बच्चा सीरियस है, कहाँ गिरा क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो वो बच्चा को सब लेके आया, मेरे परिवार बोले पूरे रोने लगे, हम रोए नहीं, बस बाबा का मंत्र याद था, मम्मी मंत्र याद करते रहे। बट डॉक्टर के पास जाके बोली ना, तो फर्स्ट डॉक्टर जो मेन थे वो बोले कि नहीं ये डेथ कर चुका है। अच्छा। बाबा मतलब हम बोले बाबा, मतलब उस टाइम मुझे रोना आया, हम बोले बाबा
ये नहीं हो सकता। फिर मुझे रोना ये आया कि बाबा ये मरा भी होगा तो आपके पास जाएगा, क्योंकि इनकी बात को मैं काटना चाहूँगी यहाँ पे ना। इनकी आप श्रद्धा को देख सकते हैं, इनके विश्वास को देख सकते हैं, दरबार के प्रति समर्पण को देख सकते हैं। डॉक्टर ने कह दिया कि बच्चा खत्म, तो पता है ये उस समय इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने उस समय ये जवाब दिया, मरेगा भी तो कहाँ जाएगा, बाबा के पास जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, एक सीख हम लोग को मिलती है इनसे कि दरबार के प्रति इनकी आस्था कितनी। अगर ये विश्वास आपकी आस्था है तो आपको ठीक होने से आपको कोई रोक नहीं सकता, यही समर्पण चाहिए। कंटिन्यू करिए। हाँ दीदी, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, वही स्ट्रक्चर पे, वही एम्बुलेंस में। दूसरा डॉक्टर बोला नहीं, मतलब वो ख़त्म हो चुका है। फिर वही एम्बुलेंस वही ऑक्सीजन से तीसरे डॉक्टर के पास बोले, तो वो थोड़ा देर देखा और बोला अरे ये तो ख़त्म हो चुका है, इसका तो पूरा पल्स ख़त्म हो गया और इसकी सांसें भी नहीं चल रही है। तो सब हम लोग मतलब और फैमिली हार गए। उसके बाद बोले अब घर ले जाना है। तो ना हम क्या किए, उसके मुंह में मंत्र का जाप करके और कस के फूके हम बोले बाबा आपके पास जाएगा, अभी कुछ दिन मेरे पास रहने दीजिए बाबा, तो थोड़ा हम देखेंगे इसको, उसके बाद में आप ले जाइएगा। तो ना जब उसके मुंह में जब मंत्र दिए ना, तो वो करता उसकी ना अंदर से फीलिंग आई, सांस दिया गया। हाँ, तो डॉक्टर आके कहता है पूरा निकाला, बोलता अरे अरे इसकी पल्स 20 आ गई है। तीसरी डॉक्टर, तीन चार डॉक्टर आके बोलता अरे इसकी पल्स 50 आ गई है, 60 आ गई है। उसके बाद नस में सुई दिया, तो मेरा बेटा स्ट्रक्चर पर उठ के बोलता है हमको घर ले चलो ना, हम ठीक हो गए हैं। उसके बाद डॉक्टर बोला अरे ये क्या हो गया। दीदी ये अनुभव मैं बता रही हूँ ना कि मैं सब भक्तों की यही कहूँगी कि परेशानी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो बाबा पे। अगर हमको मरना ही है तो हम शिवलोक जाएंगे, हम क्यों परेशान होंगे? या तो मरेंगे या तो झेलेंगे, झेलेंगे भी तो बाबा है, मरेंगे भी तो बाबा है। तो बस यही आस्था विश्वास और श्रद्धा बाबा के ऊपर छोड़ देना, माँ पे छोड़ देना। और हमारे गुरुदेव तो बहुत प्यारे हैं, गुरुदेव तो एक एक चीज़ हम लोग का हर गंदगी काट के हम लोग को यहाँ बुलाए हैं और हम लोग को यहाँ रखते हैं। ऐसा दरबार कहीं नहीं मिलेगा, अगर जो मान लिया उसकी ज़िंदगी बन गई। मैं बोल रही हूँ वो मैं हर ऐसा चीज़ है कि मैं ऐसा देखती हूँ और ऐसा मेरे साथ हो रहा है। यहाँ पे आप इनकी जो बात आप सुन रहे हैं ना, यहाँ पे इनका इन्होंने जो अनुभव किया है दरबार से जुड़ने के बाद, जो इन्होंने पाया है वही ये बता रही है, वही निकल ही रहा है। तो जो लोग नए लोग हैं ना, जो लोग दरबार को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं दरबार क्या है, सच में लोग ठीक होते हैं क्या होते हैं, तो ना आप दरबार आके भक्तों से मिल लीजिए। आप लोग दरबार आइए, भक्तों से मिलिए, उनके अनुभव जानो। और अगर आपका इन ये जो बहन है इनकी तरह आप लोग का अगर विश्वास है दरबार के प्रति, समर्पण है, तो आपको ठीक होने से कोई नहीं बचा सकता। मेरे भाग्यशाली है इस कलयुग में ऐसा दिव्य दरबार मिला और पूर्ण गुरु की छत्र छाया है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता चलता है कि ये ज्यादातर वही लोग वीडियो देखते हैं जो पूर्ण तरीके से ना नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब बिल्कुल देवी देवताओं में विश्वास नहीं होता, और जिसको विश्वास भी रहता भी है तो उनको सत्य पता नहीं है, गलत कोई नहीं है, बस हमें पता नहीं होता कि जो पूजा पाठ क्या होती है, कैसे करना है, गुरु क्या होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी हमें पता नहीं होती हैं। लेकिन ये इतना दिव्य दरबार है, इतना अद्भुत दरबार है, हम खुद आप ही लोगों में से हैं, लेकिन बस ये कृपा हुई है गुरुदेव की कि हम इस दिव्य दरबार में आए और खुद अनुभव करते आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। आप कैसा, आपका बेटा? मेरा बेटा बहुत अच्छा, अब तो इतना फास्ट है कि एकदम उड़ उड़ के गाड़ी चलाता है और बोलता है ना मम्मी तुम हमको बचाइयो, नहीं बाबा बचाए हमको, डर लगता है बाबा से। बेटा आया है आपका? नहीं आज तो नहीं आया, एग्जाम चल रहा था। अपने आप दरबार में क्या करने आई हैं? अभी मैं महाहवन करने आई हूँ। महाहवन करने आए हैं आप लोग, बहुत से लोग होंगे, आप लोग वनडे सुनते हैं, महाहवन सुनते हैं, प्रक्रियाओं को सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता नहीं पाऊंगी। बस जब आप लोग इस दिव्य दरबार से जुड़ेंगे तो ऐसे ऐसे आपके जीवन में अनुष्ठान देखने को करने को मिलेंगे
जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी सनातन संस्कृति में ऐसे ऐसे अनुष्ठान पूजा पाठ होते हैं और वो करने से आपकी बिल्कुल समस्याएं होती है ना, वो जाती है। बिल्कुल पहले हम सोचते थे कि एक अगरबत्ती दिखा, मतलब दिखाते नहीं है इसलिए आप ठीक भी नहीं रहते, आप कष्ट में रहते हो। दरबार बहुत सटीक आपको सिखाता है, बताता है कि आप सनातन जो विधि होती है ना उसमें ही बस आप चलिए, नियम पालन करिए, ठीक होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। और रही बात की दरबार की पैसा की, तो पैसा यहाँ मैं देख लिया कि जो आपके मन में चलता रहेगा, आप बाबा के पास बच्चे बनोगे वही बच्चा बन के आगे बढ़ता है। पैसा तो यहाँ खेला है, ये तो पैसा का तो कोई महत्व ही नहीं है इस दरबार में। पैसा जो है ना वो एक व्यवस्था है ताकि सब चीज़ें व्यवस्था में रहे, आप लोग भी व्यवस्थित रहें, किसी कोई दिक्कत ना हो के। बाकी ये पूर्ण गुरुओं का दरबार है, स्वस्थ यहाँ पे होते ही है। ठीक, दरबार आइए, इसको जानो आप लोग। जय बाबा की, जय बाबा की। तो अच्छा लगा आपसे मिलके, आपका अनुभव लेके, बहुत बहुत धन्यवाद माही दीदी। आपने जो YouTube पे सब लोगों को सपोर्ट दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये सपोर्ट बाबा माँ सब कराते हैं, सब बाबा माँ ही देते हैं। ये सब जो हो रहा है ना दरबार से जुड़े व्यक्तियों के संग जो भी हो रहा है, अगर आप समर्पित हैं तो जो भी हो रहा है सब बाबा करवा रहे हैं और सब मंगल, सब आनंद में है। लेकिन मजा आता है, जय बाबा। जीवन जीने में ना बहुत आनंद है। मैं भी दरबार की, मैं कोई रिपोर्टर उपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मीडिया से हूँ। मैं तो बस बाबा की छोटी सी शिष्य हूँ, एक छोटी सी भक्त हूँ। और मुझे लगता है कि नहीं, इनके अनुभव आप लोग को शेयर करने चाहिए, तो शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को सच्चाई पता चले और आप लोग दरबार को जाने और अपने जीवन के सारे दुखों को आप लोग ख़त्म करो। ठीक, दरबार तक आइए। ठीक, मिलते हैं नए वीडियो में। करौली शंकर महादेव की जय।